नमस्कार शार्क्स। नमस्कार, मेरा नाम मानिक सहगल है और मैं को-फाउंडर हूँ रासा का। हम सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट स्ट्रीट फूड वेंडर होता है जो हमें बेहद पसंद होता है। या तो उसका खाना हमारे को बहुत टेस्टी लगता है या हमारी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड बेहद पॉपुलर है, बट उसको बनाने वालों को बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, हमने मार्च के महीने में लॉन्च किया रासा। हमने इन लोगों से बहुत बातें करी और आइडेंटिफाई की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। पहले, इनका अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होता है, ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। इनका नाम तो होता है बट पहचान नहीं होती है। तो रासा करता क्या है, हम उनको एक प्रॉपर ब्रांडिंग देते हैं रासा की और सबको एक यूनिक नंबर देते हैं, रासा कार्ड 1, रासा कार्ड 2, रासा कार्ड 3। दूसरा, इनके पास FSSAI लाइसेंस नहीं होता है जिसकी वजह से इनका काफ़ी शोषण होता है। हम इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए हम इनसे कोई चार्ज नहीं करते। तीसरा, जोमेटो या स्विगी पे कैसे ऑनबोर्ड होना है इनको नहीं पता होता है, हम इनको ऑनबोर्ड करते हैं। सारा बैकएंड का काम हम देखते हैं, जैसे कि फोटोज क्लिक करना, मेन्यू डिज़ाइन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना एक्सेट्रा। चौथा, इनके 1 से 2 घंटे रोज़ ख़राब होते हैं क्योंकि ये ग्रॉसरी खरीदते हैं। हम चाहते हैं जो इनके 1 से 2 घंटे ख़राब होते हैं वो ये अपने ऑफलाइन बिजनेस में लगाएं और बढ़ाएं उसको, और हम इनको सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रॉसरी देंगे एट बेस्ट प्राइसेस इनके डोर स्टेप पे। और पांचवा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इनका बिजनेस स्टक हो जाता है या आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि इनको शेफ्स के साथ ट्रेनिंग कराएं, इनको माइक्रो क्रेडिट कंपनीज के साथ टाई अप कराएं और आने वाले टाइम में खुद अपनी एक होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकें। शार्क्स, मेरा सपना है कि एक पूरा इकोसिस्टम में डेवलप कर सकूं पूरी अनऑर्गेनाइज स्ट्रीट फूड वेंडर इंडस्ट्री के लिए। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना और रोज का 1000 करोड़ का बिजनेस ये पैदा करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेरा एक विजन अपना है, अगले 3 साल में 10 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ूँ और इनकी इनकम को 3 गुना बढ़ाऊँ। शार्क्स, आज मेरा आपसे आस्क है 50 लाख रुपये 5% स्टेक के लिए। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं आप। थैंक यू। मानिक सहगल जी, आप अपना थोड़ा सा जर्नी बताएंगे लाइफ का, ये आइडिया पहले कैसे स्ट्राइक किया, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा सुनना चाहेंगे आप क्या। सो मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, आई एम अ दिल्ली 6 बॉय और मैंने MBA किया है टाइम्स स्कूल ऑफ मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने 15 साल अपने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करें एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। पिछले साल मैंने जॉब छोड़ी, मुझे एक आइडिया ही आया क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जर्नी लॉकडाउन था, हम आसपास ही अपने दोस्तों के यारों के साथ घूमते थे, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा उस समय चलन था। सडनली आई रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड डेफिनेटली सिंस आई एम बीन अ खुद स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मैंने काफ़ी स्टडी करी, इन लोगों को मैं मैकडॉनल्ड्स से बुलाता था, आमने सामने रिसर्च करते थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे इनकी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इसमें मेरिट है। 90% ऑफ दीज वेंडर्स are earning between 25,000 to 75,000 rupees. 25%. ये दिल्ली से NCR smaller players. आप कैसे पैसे कमाते हैं? Suppose करो 50 रुपए के छोले कुलचे मिलते हैं, हम उसको 100 रुपए करते हैं। अब उसमें से 30% जोमेटो की कमीशन होती है, 20 रुपए हम रखते हैं और 50 रुपए इनको देते हैं। इनका साफ मैंडेट ये है कि भैया आप जो भी करना आप करो, मेरे को उतने पैसे चाहिए। लेकिन आपने कहा आपका मिशन है इनका आमदनी 3 गुना करना, लेकिन आप तो उतना ही दे रहे हो। नहीं, पर इनकी सेल बढ़ गई ना, सेल बढ़ा दी, सेल बढ़ा रहे हैं। तो सेल बढ़ाना, ये जोमेटो स्विगी इज जस्ट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एंटायर बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड। सारा अपलोड, सारा ऑनबोर्ड, सारा वो सब मेरे ब्रांड नेम्स के नाम से होता है, सब पीछे मैं ही करता हूँ। जो पैसे भी आते हैं वो मेरे अकाउंट में आते हैं। पर वो सीख गए एक बार, तो शुरू में ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है पैसा, वो बट इवेंचुअली उसको समझ में आ गया, डायरेक्ट करेगा ना उसके बाद। मैं सोच रहा था कि सर्विसेज में शायद पैसा बना पाएंगे, यहाँ पर भी पैसा बनता हो लॉन्ग टर्म पे मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी ये हमारी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, ये लोग इन लोगों को बहुत तंग करते हैं। यस, करते हैं। नगर निगम वाले आते हैं, ठेले भी तोड़ देते हैं, तो ठेले लेके भागना पड़ता है, फिर खाना बच जाता है, फिर नुकसान आ जाता है। अभी लॉकडाउन में तोड़ दी थी रेड़ी, तंदूर टेबल सारा कुछ तोड़ दिया था, 35,000 रुपए का खर्चा आया था, उधार ले लेके गुजारा करा। नुकसान तो हमारा है पर दिल हमारा दुखता है कि हमारे बच्चे उस दिन भूखे रहे। अब जब ये लाइसेंसिंग वगैरह हो जाती है तो ये तंग करना बंद कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अकेले हैं। अगर हम लोग इकट्ठे होते, फॉर एग्जांपल ये इकोसिस्टम के अंडर होते, सपोज मेरे साथ ये 1000 होते, तो कहीं ना कहीं जब ब्रांड आपका बनता है तो पुलिस को या MCD को भी कहीं ना कहीं प्रेशर्स होते हैं। सो दैट्स द मोटिव। जब आप ब्रांड बन जाओ, अब कंप्लेन उनके पास नहीं जाएगा, सीधा आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज और फाइन लगाएंगे गवर्नमेंट। यूनियन से शायद सॉल्व हो जाए,
ब्रांड से नहीं हो सकता। क्योंकि जो जगह है वो अनऑथराइज्ड यूज है। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है कि ये जगह इस काम के लिए नहीं बनी थी। आप क्या करोगे, आपने इसके बारे में सोचा है कि ब्रांड जब बन जाएगी और तकलीफ नहीं आएगी? सच पूछिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल बी अदर वे राउंड। जब आपके पास एक मनी माइट होगी या एक पावर होगी तो आप इनसे एटलीस्ट लड़ सकते हैं, वकील जा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट विल शट यू डाउन एज अ कंपनी। मैं अनुपम की बात से सहमत हूँ, ये तो रेगुलेटेड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट को आप अगर ब्रांड बनाओगे तो आपके पीछे आएंगे सारे। लेकिन आप कार्ट पे जो लोगो लगा रहे हैं, ब्रांड लगा रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ हो सकती है भाई, आपका काम ही बंद हो सकता है ओवरनाइट। ये बात पे गौर करने की जरूरत। तो आप अभी कितना पैसा बनाते हैं? अभी हमने 20 लोगों को अपने अंडर में लेके आए हैं, क्योंकि हम मिनिमल वायबल प्रोडक्ट बना रहा था और लगभग 40,000 रुपए मैंने लास्ट मंथ अपना रेवेन्यू कमाया है अगस्त के महीने। नहीं, 40,000 रुपए आपका कमीशन है कि 40,000 रुपए जीएमवी है? जीएमवी है। यार फिर तो आपने बहुत भारी रकम मांग ली इधर, 50 लाख का 10 करोड़ बहुत हो गया अभी। यस, लेकिन आप तो मतलब प्रोटोटाइप स्टेज में हो, ऐसे कह सकते हैं हम, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। Zomato and all, I agree with Amit, कि एक बार वो सीख गए, second time आपको eliminate कर देंगे, because why will they pay you for it? Marketing, कितने भी छोटे हो, किसी को भी एक pride होता है अपने नाम से marketing करना, ना कि आपके brand name से, especially अगर value proposition इतना high नहीं है। So it's too early for me, so I'm out, but I always wish you the best. मैं काफी impressed हूँ कि आपने genuinely इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी है, तो काम हो सकता है और टेक बनाना पड़ेगा आपको बहुत जबरदस्त इसके अंदर, प्लीज हेल्प फटाफट। तो नहीं, अभी ये थोड़ा अर्ली है मेरे लिए, अगर आपके साथ कोई कोफाउंडर होता टेक का तो मैं जरूर इसमें भी इन्वेस्ट कर देता। आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। आपका co-founder है कोई? हाँ, मेरा co-founder है, विकास शर्मा। वो क्या करते हैं, background क्या है और क्या काम संभालते हैं? So basically he is into KPO, he was running KPO. अच्छा। अब जब वो आए हैं, उनका काम होता है इन लोगों से बात करना, tie up कराना और proper जो भी cards होती है उनकी branding करना। और इनके पास equity कितनी है? 50-50 है हमारे पास। अच्छा जी। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 45-45 है, 10% मैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अगले कभी हम आगे गए IPO में गए तो वो 10% उस टाइम पे जितने भी अनुभव होंगे। आप बहुत डिटेल में कंज्यूमर बैकवर्ड बिजनेस बना रहे हैं आप, एंड आई कैन आल्सो सेंस एम्पैथी कि आप जेन्युइनली कंसर्न है। वेरी गुड। इस पे रेगुलेशन पे थोड़ा काम कर सकते हो तो कर लो। यू आर टू अर्ली फॉर एन इन्वेस्टमेंट, अभी आपको बहुत काम खुद करना पड़ेगा। अभी मैं आपकी वो वाली हेल्प नहीं कर सकता कि आपका बिजनेस बैठ के मैं बनाऊं। अभी मैं आउट हूं, बट नेक्स्ट ईयर आई होप आप यहां पे फिर से मिले और अब बताओ कि देखो मैंने ये बना दिया। मेरे बस एक ही चीज से इशू हो रहा है, अदरवाइज मैं आज इन्वेस्ट करता था, क्योंकि आपका इंपैक्ट बहुत हाई है। मैं कॉस्ट पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत बढ़िया लगा, बट रेगुलेटेड नहीं है इसलिए मैं उसके साथ नहीं एसोसिएट हो पाऊंगा जहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क होती है, इसलिए आज केवल इसी रीजन से आऊँ। रेगुलेटरी का खैर मतलब क्या इलीगल है, बिकॉज मैंने ऐसे बोला। चलिए सब छोड़िए मानिक भाई, सब आपको बोल रहे हैं अगले साल आइए, अगले साल आइए, तो इन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया कि आपको ऑफर नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो गया भाई? मैं काफी बोल चुका हूं कि मेरा एक टी मॉडल है जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। एक होता है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो सबने आपको कह ही दिया कितना बड़ा मार्केट। दूसरा होता है टाइमिंग, और मैं समझता हूँ टाइमिंग भी सही हो गया। ट्रैक्शन एक और टी होता है, वो डामाडोल है, अभी आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। टैक्स एंड रेगुलेशन, वो एक बहुत बड़ा इश्यू। टेक रेट आपका ठीक है, क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे हम आगे, राइट? तो 2-3 T's आपके चेक ऑफ होते हैं, बाकी T's चेक ऑफ नहीं होते, क्योंकि आप प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट है। लेकिन आपने कहा 10% आप रखना चाहते हो ये हॉकर्स के लिए, जो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपको एक ऑफर दूंगा और वो एक ही ऑफर है, और मेरा एक कंडीशनिंग भी है उसके साथ। आपको एक टेक कोफाउंडर लाना पड़ेगा और मैं आपकी मदद करूंगा। यस। और उसको इक्वल इक्विटी देनी पड़ेगी, और मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ,
लेकिन मैं 25% लूंगा। तो चौथे को फाउंडर हो गए। उस हिसाब से आप सोच लीजिए, जो हॉकर और वेंडर का डाइल्यूशन होगा तो चारों का होगा 10% डाइल्यूट, वो मैं भी करूंगा। ठीक है, वेरी गुड ऑफर, बहुत बड़े ऑफर, ये मेरा ऑफर है। तो प्लीज थिंक अबाउट, कैन आई टेक 2 मिनट्स इफ यू डोंट लाइक। प्लीज टेक, बहुत बड़ी ऑफर दिया वैसे। हैव यू गॉन मैड? कुछ नहीं तो उसने 100 वेंडर को एग्रीगेट कर दिया ना, और स्विगी और जोमैटो पे धंधा बना लिया। ठीक, ओके शार्क्स, आई विल टेक दिस ऑर्डर ऑफर। मैं बहुत खुश हूँ आप आज टीम लेके जा रहे हैं, एंड दिस कैन बी बिग। मैं पता क्या चाहता हूँ, अगले साल आप आओ ना तो आप, विकास और अनुपम यहाँ तीनों खड़े हो और हम तब डील करते हैं। तब मजा आएगा। ऑलराइट, लेट्स डू इट। ग्रेट, गुड चेक। थैंक यू माने जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, ऑल द बेस्ट। Shark Tank सीजन 2 में इस हफ्ते आगे देखिए। वेरी यूनिक प्रोडक्ट, इंडियाज फर्स्ट 2-सीटर फुल्ली इलेक्ट्रिक स्मार्ट माइक्रो कार। आप अपनी गाड़ी को बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ, स्निच इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन। आज हम 2000 से ज्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लिक्स्टर्स प्रीमियम पॉप्सिकल एंड आइसक्रीम ब्रांड है जिसमें सबसे ज्यादा फूड कॉन्सेंट्रेशन है। हम हैं टीम स्पाइस स्टोरी और हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गलियों का स्वाद इन अ मॉडर्न सॉस फॉर्म। ओह माय गॉड, ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 इन माय बुक। हमारी आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। धमाकेदार वैल्यूएशन फॉर 1.5 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। 150 करोड़ का वैल्यूएशन। साल कितना रेवेन्यू होगा? 90-100 करोड़। इनक्रेडिबल बॉस। मेरा और अमन का ऑफर ये है 1 crore for 2%, एंड अगर पीयूष ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं एक ही पॉप्सिकल बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर रहना चाहता हूं अभी। पीछे से उठी जाए करो जिसमें आते हैं फिर पॉप्सिकल पे बैठे क्यों। शार्क्स, भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है। उन्हें साधारण से साधारण काम जैसे पानी पीना, बाथरूम जाना, गाड़ी ऑटो में बैठने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, और तो और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। डिसेबल्ड और बुजुर्गों की डिग्निटी लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने शुरू किया नियो मोशन। मेरा नाम सिद्धार्थ डागा है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं हूं स्वस्तिक दास और हम हैं नियो मोशन के फाउंडर्स। ये है हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पहले प्रोडक्ट्स है नियो फ्लाई और नियो बोल्ट। नियो फ्लाई एक पर्सनलाइज्ड व्हीलचेयर है जो एक यूजर के शरीर के नाप से बनाई जाती है। शार्क्स, पता है भारत के फास्टेस्ट व्हीलचेयर मैराथन्स नियो फ्लाई पे किए गए हैं। Oh, wow. और शार्क्स, हमने आउटडोर मोबिलिटी के लिए एक ऐसा इनोवेशन बनाया है जिसका नाम है नियो बोल्ट। इसको आप व्हीलचेयर पर लगा करके एक स्कूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लगाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही सस्ता माध्यम है बाहर जाने के लिए। हमने हमारे प्रोडक्ट्स 2020 में लॉन्च किए थे। तब से आज तक हमने 32 राज्यों में 2000 से भी ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स को हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। आप कहीं भी बैठकर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करके हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट्स, डोनर्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कराते हैं। Sharks, for 1% of our company, we want to ask for 1 crore. So Sharks,
Join us to empower people live life to the fullest. Welcome to Shark Tank, guys. Thank you. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम तीनों कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। कौन से कॉलेज? IIT मद्रास से। Oh nice. कोई पर्सनल रीजन है किसकी वजह से घुसे थे? मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट की, तो मुझे एक डिजाइन का एक बहुत शौक था। हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन, जहाँ पे रोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग पे बहुत सारा काम होता है। मैंने अपने 5 साल वहाँ बिताए। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक ऐसी फीलिंग थी कि काश मेरे पास और थोड़ा टाइम होता, मैं कुछ और ऐसी चीजें कर पाता। कोइंसिडेंटली स्टार्स अलाइंड, मैं अपने प्रोफेसर के साथ टच में था। 2015 में शी कॉल्ड मी एंड सेड कि स्वस्तिक, हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, हमें एक फंडिंग आई है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं वहां पे गया, उस दूसरे प्रोडक्ट का नाम था स्टैंडिंग व्हीलचेयर, जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके ट्रायल्स के लिए हम लगभग 200 व्हीलचेयर यूजर्स से मिले, 20-30 लोकेशंस हम गए, और उसके इंटरेक्शन पे हमें समझ में आया कि लोग फिलहाल क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमारे एक यूजर यहाँ पे है, क्या हम उनको बुला सकते हैं डेमो के लिए? जरूर बुलाइए। हाय। हाय सर। वेलकम शिवाजी। इंटरेस्टिंग। करते हैं रेगुलरली? जी सर। कितने टाइम से? 5 months। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है इसको यूज करने के बाद? जब मैं पहला एक नॉर्मल व्हीलचेयर यूज करता था, मैं घर वालों के ऊपर तभी डिपेंड था, लेकिन जब से मुझे न्यू मोशन ने व्हीलचेयर दिए, तब से घर वाले मेरे ऊपर डिपेंड है। कैसे घर वाले अब आपके ऊपर डिपेंड है? पहले मैं एक फैक्ट्री में एक पैकिंग का काम करता था, 3,000 रुपये सैलरी थी, ताकि मेरे इसमें कम था। तो फिर मैंने जब से गाड़ी ली, तब से मैं जोमेटो की डिलीवरी कर रहा हूँ। अरे वाह। अभी 4 महीने में 32,000 प्लस अर्निंग की है। अरे बहुत अच्छी। शिवाजी, जब आप जोमेटो में डिलीवरी वगैरह करते हो तो अलग फील आती होगी ना आपको, कि आपने कुछ एक सेंस प्राउड फील होता होगा ना? बहुत प्राउड फील होता है सर। ये आपने खुद इसको खरीदा कि कैसे प्राप्त किया आपने ये? जहाँ मैं काम करता था वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे डोनेशन में दिया। बहुत अच्छा। शिवाजी अपने EMI कंट्रीब्यूट करते हैं उस NGO को, ताकि बहुत बढ़िया वो एक किसी और को दे पाए। वो अपना 40% वो रिटर्न करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई और इसका बेनिफिट ले सके। वेरी नाइस। और जो हमारे सिद्धार्थ सर है, उन्होंने एक व्हीलचेयर दूसरी मतलब मेरे दोस्त को ग्रांट पे भी दे दी, और उसको भी सक्सेस बनाने के लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप कौन से शहर में रहते हैं शिवाजी? मैं मुंबई का एरोली का हूँ, और मैं एक स्टेट प्लेयर व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ। अरे जी, बहुत तो आप लगते हो एथलेटिक। जहाँ मैं खेलता था उस पे मेरी एक भी सेंचुरी नहीं थी, थ्री मंथ्स अगो जब मैंने ये व्हीलचेयर लेके गया, तब मेरी फर्स्ट सेंचुरी एंड फर्स्ट हाई पिक उस मैच में मेरी थी, और वो मैन ऑफ द मैच का सीरीज मैं जीता था। बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं इसे? ये रिमूवेबल बैटरी है, इसके निकाल के अपना जो नॉर्मल पॉइंट है उसको लगा सकते हैं। और कितने किलोमीटर चलता है उसमें? 25 किलोमीटर। इसके हमें आपके फीचर्स बताता हूँ। तो पहले इसमें जैसे हम इसके सीट की चौड़ाई, सीट की गहराई, पूरे बैक का सपोर्ट, किस एंगल पे उसको रहना है, पैर को किस पोजिशन पे होना है, वो सारा चीज हम कस्टमाइज करके बताते हैं। इस पे एक्सीलरेटर बाइक की तरह होती है, ब्रेक्स होते हैं, लाइट्स, हॉर्न है।
तो सेफ्टी फीचर्स वाइज इस पे सीट बेल्ट भी है, आगे सस्पेंशन है जो कि आपको एक कंफर्ट की फीलिंग दिलाती है। मुझे जस्ट लग रहा है कि ये जो घर के बाहर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए ज्यादा बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि इंटरनल इसको घर में चलाना या ऑफिस में चलाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी जगह ले लेगा। हमारे कुछ यूजर्स से जो खाली नियोफ्लाई व्हीलचेयर लेते हैं, अगर आप मतलब व्हीलचेयर चला रहे हो कि भी नहीं रहे हो, आप उस पे 10 घंटे बैठे हो, आपका पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है। तो हम एक व्हीलचेयर को एक सीटिंग सिस्टम और एक प्रोपल्शन सिस्टम में डिवाइड करते हैं। आप जब उसको मैनुअली चलाते हो, ये नॉर्मल व्हीलचेयर से 4 से 5 गुना ज्यादा एनर्जी सेविंग है। आप एक बार पुश करो, इट विल गो 5 meters एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीलचेयर विच विल गो ओनली 1 meter। छोटी है, हमारे बाथरूम छोटे होते हैं, दरवाजे छोटे होते हैं, लिफ्ट छोटे होते हैं, तो वहां पे आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपको बाहर जाना है, किसी को नहीं बुलाना है, नीचे पार्किंग पे रखी हुई है, आप जाते हो उसको अटैच करते हो और लेके जा सकते हो। तो नियो फ्लाई और नियो बोल्ट के कॉम्बिनेशन से हम इंडोर और आउटडोर का एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड ये हमारे इनिशियल प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू शिवाजी, थैंक यू सो मच, बाकी हम उनसे बात करेंगे। थैंक यू, आप बहुत मजा आया आपसे मिलकर, स्टाइल देख के मुझे बहुत मजा आया। मुझे मजा आया आपको इतना फिट देख के, लगे रहो भाई बहुत फिट है। थैंक यू। अब थोड़ी बिजनेस की बातें हो जाते हैं, नंबर्स। पिछले साल हमने 4.7 करोड़ की हमारी रेवेन्यू थी, 30 लाख का हमारा नेट मार्जिन था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दिस ईयर 13 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग की हुई है। और ये आपको ऑर्डर कंपनीज के थ्रू आ रहे हैं या एनजीओस के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर कर रहा है? एक है हमारे इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो हमारे वेबसाइट, सोशल मीडिया, जो हम कैंपेन्स रन करते हैं उससे हमारे लगभग 65% ऑर्डर्स आते हैं। बाकी का 35% हमारा गवर्नमेंट और CSR में इक्वली डिवाइड हो गया है। क्या है प्राइस? सो द कंप्लीट सेट, द MRP इज 1,18,000 एंड करंटली वी प्रोवाइडेड एट 99,900। द नियोफ्लाई अलोन का MRP है 49,000, जो अभी हम 42,900 हम प्रोवाइड करते हैं। वाओ, ह्यूज, वेरी एक्सपेंसिव बॉस। नॉर्मल रेगुलर व्हीलचेयर जो मिलती है वो कितने की मिलती है? हम जैसे इंडिया में, अब अगर आप एवरेज व्हीलचेयर्स की प्राइस बात करें, एवरेज वुड बी अबाउट 12,000 to 13,000 रुपीस। जो आपको यूज्ड चाहिए तो 4,000-5,000 में भी, 3,000 में भी मिल जाए। जी, मार्केट साइज मुझे लग रहा है बहुत छोटी होगी। तो हमारा एस्टिमेट है लगभग 1.5 करोड़ पीपल कुड बेनिफिट फ्रॉम अ व्हीलचेयर। 1.5 करोड़ में से 1% लोग 1,00,000 रुपए की व्हीलचेयर नहीं खरीद सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बाकी और प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जैसे अगर हम एंट्री लेवल मास मार्केट व्हीलचेयर की बात करें, वो हमारे एक पाइपलाइन पे है, हम उससे स्टार्ट नहीं करना चाहते थे। जो हमारे 12 से 15 पे हम ऑफर करेंगे वो सिमिलर होगी बाकी, और इट विल बी अ क्वांटम जंप फ्रॉम व्हाट इज देयर एट दैट प्राइस पॉइंट। चलो मैं ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। जी जी, प्रोडक्ट प्रायर राउंड हुआ है फंडिंग का। जी, सो IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल से हमें 44 लाख का एक ग्रांट मिला है, 53 lakhs का हमारा एक डेट है, नो इक्विटी फॉर द 44 lakhs. सो IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल हैज 6.5%। आप तीन को फाउंडर हैं, कौन क्या क्या संभालता है? मैं CEO, सिद्धार्थ सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं, आशीष प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन देखते हैं। और कंपटीशन क्या है? ऐसे कोई और नहीं बनाता इंडिया में? सो इंडिया में ये नहीं बनाते हैं, लोग इंपोर्ट करके बेचते हैं। 5 lakhs, 6 lakhs पे जो अटैचमेंट मिलती है, ओनली अटैचमेंट, ओनली अटैचमेंट इज 5 lakhs और आपका कंबाइंड इज 1 lakh। It's in one speed, right? Yeah. One speed. चाहिए वैसे तो। नहीं, but product is good. Product अच्छा भी लग रहा है, innovation भी अच्छी। इसमें ये बताइए कि इसको आप masses तक पहुंचाने के लिए कुछ सोच रही थी, cost कितनी कम ला सकते हैं आप? जैसे हमारा volume पड़ेगा, as a combined set, it will come down to about maybe 80,000 रुपए तक। पर उससे कम नहीं हो सकता। जैसे अभी इसकी बैटरी हम 25 किलोमीटर पर चार्ज दे रहे हैं, हम एक पैरेलल इस पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको सेम प्राइस पे 60 किलोमीटर। क्यों भाई, क्यों भाई, इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हो आप? किसके? मैं कह रहा हूँ भारत में इतने लोगों को तकलीफ है, 1.5 करोड़ की संख्या गिना दिया आप, आविष्कार को इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे हो? मैं 25,000 रुपए में कैसे बनाऊं इसको? India is popular for what? Frugal engineering, है ना? यही हमारी ताकत है। भाई आप 25,000 में बना देते हो ना, आपको बिजनेस ही नहीं, आपको भारत रत्न मिलेगा। You will change the lives of 1.5 crore people.
बट इनकी प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी ये कॉस्ट नहीं हो पा रही उससे कम। आपने 100 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, जरा वो समझाएंगे? इस साल का जो अगर रनरेट देखेंगे तो हमारा 4 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पर ये बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते हैं, कोई ये इसमें आज ऑर्डर है कल नहीं है, आज किसी का CSR बजट आ गया। इसमें कितना ऑर्डर डोनेशन बेस्ड है? 60 इंडिविजुअल्स है, 17 गवर्नमेंट है। ये इंडिविजुअल्स कौन है जो लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो ऑफिस जा रहे हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स खेलते हैं। उन्होंने एक बार ले लिया, न्यू इनकम्बेंट हर साल बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा तो नहीं है हर रोज एक सर्टेन रेट से ऑर्डर आ रहा है। चलिए मैं आपको ऑफर करता हूँ 1 करोड़, उसमें थोड़ा सा डेट और थोड़ा सा इक्विटी रहे, तो 50 लाख रुपये मैं आपको देता हूँ इक्विटी और 50 लाख रुपये डेट। इक्विटी जो 50 लाख रुपये दे रहा हूँ उसके लिए मुझे चाहिए 4%, एंड फॉर द डेट, क्योंकि आप काम जो कर रहे हो ये काफ़ी अच्छा काम है, इसका जो आप इंटरेस्ट रेट अभी दे रहे हो बाकी डेट पे वही इंटरेस्ट रेट ले लेंगे। देखो मेरा ऑफर मैं दे सकता हूँ, बट मैं तभी दूंगा जब ये 5% प्रॉफिट पे ही चले कंपनी, क्योंकि मैं कॉज के लिए कर रहा हूँ। वो हमारे लिए डिफिकल्ट, मतलब हम चाहेंगे कि ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल, ताकि एक अच्छा ग्रो हो पाए, क्योंकि अभी अपन लोग प्रॉफिट बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए मैं इसमें इससे अभी बाहर होना चाहूंगा। अनुपम, मैं आपसे पार्टनर करना चाहूंगी। मुझे बहुत पैशन है इस कॉज के बारे में, और मेरा थिंकिंग इज मोर इन लाइन विद अनुपम के हमें ज्यादा ये बिजनेस एंगल से सोचना है, प्रॉफिटेबल स्केलेबल बनाना है, एंड देन इवेंचुअली स्केल लाने के बाद उसका कॉस्ट और प्राइसिंग कम करना है। चलो मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। नंबे समस्या, मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 करोड़ पूरा, 5% इक्विटी के लिए। एक कंडीशन और है मेरे साथ, आपका जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% आप मेरे को देंगे जब तक ये 1 करोड़ पूरा नहीं हो जाता। वो टोटल टू टोटल फ्री बाइक्स देने में जाएगा, चाहे उसमें 100 बाइक आएंगी 150 बाइक आएंगी, वो मेरी स्पॉन्सरशिप होगी। तो अगर यहाँ कोई और ऑफर नहीं देता तो मैं आपको पक्का ऑफर देता, पर आप यहाँ पे 3 दिग्गज शार्क आपको ऑफर दे चुके हैं, तो मैं आउट हूँ। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो भाई हमने मैच किया, आपको इक्विटी अगर चाहिए तो 1 करोड़ 5%, नो कंडीशन की 5% प्रॉफिट यहाँ जाएगा। हम सारा काम ही ऐसा कर रहे हैं जो देश का कल्याण है। हम इस थॉट प्रोसेस के साथ आए हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। हमने अपने साइड से ही जिस जो हमारा अभी वैल्यूएशन, हम इसको उसी ऑफर तो वैल्यूएशन नहीं करना चाहते, वही ऑफर है। अब आप तीनों बोल दिया, एक ही परसेंट लेंगे आप? वैल्यूएशन चेंज नहीं करना चाहते, वैल्यूएशन नो चेंज, 1 करोड़ 1%। अच्छा, तो आपको ये 5% एक्सेप्टेबली नहीं है? इट्स अ नो डील फ्रॉम माय एंड। पीयूष और अनुपम, आपका क्या व्यू है? आप इतना मनी माइंडेड हो तो इसको बिजनेस की तरह ही देखते हैं, जो मुझे भारत को ये करना है वो करना है वो सब छोड़ देते हैं एक बार बार, ठीक है? 99 लाख डेट एट 15%, 1 लाख फॉर 1% है। मैं वैल्यूएशन सोच ही नहीं रहा, आपको 1% देना था मैं 1% ले लूँगा, लेकिन मेरा पैसा निकलना चाहिए इसलिए मैं 15% दूंगा आपसे। मैं आपको एक काउंटर देता हूँ, मैं 1 करोड़ दूंगा आपको 2.5%। बताइए बताइए बताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऑफर देने के लिए। हम काउंटर ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल हम अपने उस पे स्टिक करेंगे। आई लाइक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, मतलब गुड गुड। मुझे ये लग रहा है कि जो आपने बातें कही थी पहले उस दिशा में ये काम नहीं जा रहा। अगर मैं डाल भी देता हूँ, अग्री भी कर लेते आप तो खिंचा खिंचाई होती, तो इस वजह से आई एम आउट। आप मेरा ऑफर भी नहीं लेना चाहते? नहीं। ऑलराइट गाइस, दे क्लियर, थैंक यू। नहीं तो एक सेकंड यार, अच्छा वो नेगोशिएट कर। अरे मैं आपको 1 करोड़ दूंगा 1% के लिए, पर मेरे को 1 करोड़ वापस चाहिए जो डोनेट हो। ले लो डील भाई। डील है।
Yeah. Fine. Deal pakki hai. Deal pakki. Thank you so much. बस पर काम करना है इसको फोटो बनाना दिस इज 1 करोड़ ऑल इक्विटी थैंक यू थैंक यू एंड वी विल डू दैट आप जो चाहते थे वो लेकर ही गए वेरी गुड ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू शार्क्स क्या आप हमारे साथ आज एक नो शुगर नो डेयरी चैलेंज करना चाहेंगे यस वाओ बिल्कुल इस चैलेंज में आप ना तो शुगर खा सकते हैं ना ही दूध से बना हुआ अन्य प्रोडक्ट्स वो भी 100 दिन के लिए शार्क्स इमेजिन कीजिए नागपुर की 45 डिग्री की गर्मी में आप नींबू पानी नहीं पी सकते चिप्स नहीं खा सकते मिल्क शेक नहीं पी सकते और आइसक्रीम्स तो बिल्कुल भी नहीं वो भी 100 दिन के लिए शार्क्स हमने ऐसे ही एक चैलेंज किए थे कुछ साल पहले जिसमें हमने फ्रूट्स को हमारा बेस्ट फ्रेंड बना लिया था तो जब ये 100 दिन का चैलेंज खत्म हुआ तो हम अपने नियरेस्ट आइसक्रीम पार्लर में गए वहां जाकर हमने अपनी फेवरेट फ्रूट आइसक्रीम खरीदी बट हमने उसका जब पहला बाइट लिया तो हमें फ्रूट्स का नहीं सिर्फ केमिकल्स का टेस्ट आया तब हमने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसी आइसक्रीम बनाएंगे जिसको खाते ही लगे फ्रूट ही खाया हो और हमें पता था कि आज की जनरेशन को हम एक और स्कूप से एक्साइट नहीं कर पाएंगे तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ अलग बनाएंगे ऐसे शुरुआत हुई लिक्स्टर्स की हाय शार्क्स मेरा नाम परिमल है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं हूँ दिव्या मैं तमिलनाडु से आई हूँ और हम हैं फाउंडर्स ऑफ लिक्स्टर्स लिक्स्टर्स इंडिया की पहला प्रीमियम पॉप्सिकल एंड आइसक्रीम ब्रांड है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रूट कॉन्सेंट्रेशन है लिक्स्टर्स का एक पॉप्सिकल में है 80% से भी ज्यादा फ्रूट इसमें आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है लिक्स्टर्स में है वीगन फ्रूट बार्स ग्रीक योगर्ट बार्स एंड आइसक्रीम बार्स हम इसके अलावा प्रीमियम आइसक्रीम्स और शेक्स भी बनाते हैं गुई सेंटेड पॉप्स जैसा हमारे पास बहुत सारा इनोवेटिव फ्लेवर्स एंड इसके अलावा शुगर फ्री ऑप्शंस भी है शार्क्स हमारी शुरुआत 120 स्क्वायर फीट के एक छोटे से स्टोर में सिर्फ 6 फ्लेवर्स के साथ हुई थी और आज हमारे पास 30 से भी ज्यादा फ्लेवर की बड़ी रेंज है शार्क्स जिसके ना आए हो दांत ऐसा छोटा बच्चा भी करे लिख जिनके गिर गए हो सारे दांत ऐसे प्यारे नाना नानी दादा दादी भी करे लिख 100% प्योर फ्रूट का वादा है हमारा आप सबके दिल में और आपके फ्रीजर में जगह बना ले यही सपना है हमारा शार्क्स इसी सपने को पूरा करने के लिए आज हमारा आस्क है 50 लाख रुपए के बदले में 5% ऑफ इक्विटी Sharks, that's a relief. Shall we go for licking? Because we know you love licking. All right. Let's do it. Welcome to Shark Tank India Thank season 2. Thank you so much. आपका नाम सुनके यार एक पिक्चर की याद आई. चुपके देखी कभी? Dr. Parimal Tripathi. अरे वाह यार ये पता है? Hilarious. Mine as well. Yes. तो समझाइए आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते? हम husband and wife हैं. Husband and wife. Yes. ये काम आप करते थे शादी के पहले की बात क्या शादी के बाद आपने आइसक्रीम के इंडस्ट्री के बारे में जानकारी कैसे हासिल की आइसक्रीम्स मेरा पैशन था और मेरा एजुकेशन होटल मैनेजमेंट में हुआ था पर कहां आप किसी फैक्ट्री में गए टेक्नोलॉजिस्ट को मिले हमने ही खुद घर में मोल्ड्स लेकर एक फ्रीजर लेकर आपने खुद डेवलप किया हम तो वेट ही कर रहे हैं आपका खिलाओ पर फ्रूट में जो शुगर नेचुरल शुगर होता है वो तो रहेगा ही ना हमारे पास शुगर फ्री ऑप्शंस भी है हमारे पास शुगर वाले ऑप्शंस मुझे शुगर फ्री ऑप्शन मुझे भी शुगर फ्री दीजिएगा अमन ये आपके लिए अमित आप मैंगो या गुआवा में से कुछ ट्राई करेंगे मैंगो सी व्हाट्स रिटन हियर दिस इज समथिंग दैट वुड हैव बीन रिटन बाय यू यू हैव पिक्ड अप द सेकंड बेस्ट थिंग टू लिख आई लव इट पागल है यहां लोग सब पागल है ये कुछ और है ये आइसक्रीम नहीं है ना नहीं कंप्लीटली फ्रूट बेस्ड है कैसा है मन जो नॉर्मल चॉकोबार है परिमल हां जी दिव्या यस टेस्ट तो सेम है इट्स जस्ट यू आर सेइंग ये हेल्दीअर ऑप्शन
मेरे को कुछ ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं लग रहा मेरे को ये मैं हेल्दी नहीं कहूंगा, ये डेकेडेंट ऑप्शन ही है, जो लोग आके चॉकलेट फैंस है वो ही खाते हैं। ये कितने की आती है? ये 140 रुपीस का है। ये 140 की एक? नहीं, that is 120 रुपीस। 120 रुपए की एक स्टिक है, वाओ, बहुत महंगी। तो why would anybody go for this specifically जब कॉर्नेटो 40 रुपए में आया? हमारा जो मैक्सिमम 80% जो रेंज सेल होता है वो सब 100 रुपए के नीचे सेल होता है। अनुपम ने जो जामुन खाया 80 रुपीस, जो पीयूष ने वहाँ पे रेनबो खाया 100 रुपीस। ये जो जामुन खिलाया आपने एग्जाम, हाँ मैं बच्चों को खिलाता हूँ अपने, मेरे 8 साल के बच्चे हैं, तो अगर क्वालिटी पे भी जाते तो 10 रुपए 20 रुपए के वो मिलते हैं। तो ये 20 रुपए वर्सेस 80 रुपए इज अगेन अ बिग डिफरेंस। आई विल शो यू द डिफरेंस। 20 रुपए में कलर्स, हवा एंड उसके अलावा बहुत सारे एसेंस, और उसके अलावा जो भी कैंसर कॉसिंग एजेंट्स, जो E44, ई व्हाटएवर इट इज, वो सब है। और इसमें है असली जामुन, असली फ्रूट्स, अच्छे शुगर। आई एम वेरी परप्लेक्स्ड। मुझे आपका मार्केट समझ नहीं आ रहा। आप हेल्थ की बात कर रहे हैं कभी, आप टेस्ट की बात कर रहे हैं कभी, आप फुल फ्रूट की बात कर रहे हैं कभी, लेकिन जब मैं आपके लोगों को देखता हूँ और आपके मैसेज को देखता हूँ, यू हैव पिक्ड अप द सेकंड बेस्ट थिंग टू लिक। आपका नाम है लिक्स्टर्स, और आपका लोगो और ये मैस्कॉट है, इट इज हाईली हाईली सजेस्टिव। फिर भी आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ये क्या डिलिबरेट स्ट्रेटजी थी, प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी थी, या ये एक्सीडेंटली हो गया फिर आपने सोचा रख लेते हैं यार? ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। प्लीज। मेरी जो शुरुआत हुई थी तब मैं अपने ससुराल गया था, और मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरे जो जितने भी वहाँ पे नीस और नेफ्यूज़ हैं या फिर इनके जो नाना जी हैं, आइसक्रीम लेते हैं, इनके नाना जी पहले लिक कर रहे हैं। सो जब हमारे हाथ में आइसक्रीम आती है तब हम ये नहीं सोचते कि ये सजेस्टिव है या क्या है, हम लोग उसको एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। तो जब मैंने उनको लिकिंग करते हुए देखा तो मैंने कहा ये सबसे इनोसेंट चीज़ है, हम इसको ज़बरदस्ती सजेस्टिव बना रहे हैं। अच्छा यही बता दीजिए, व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट थिंग टू लिक? दैट्स योर चॉइस सर। ओके, नंबर्स पे आ जाएं अब, सेल्स कितनी है, क्या नंबर्स पे आते हैं? पहला साल था 9 लाख रुपए का सेल 2019, 2020 में हमने किया 16 लाख रुपए का सेल जो कोविड साल था, 2021 में हमने किया 65 लाख रुपीस का सेल, ओके, और इस साल पहले 6 महीने में हम लोग 86 लाख रुपीस के नेट सेल पर है। टोटल कितना करोगे पूरे साल में? इस साल हम लोग 2 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस करेंगे क्योंकि हमारे सारे स्टोर लगे। और लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने किया था 14 लाख रुपीस का सेल। और आपके सारे स्टोर्स प्रॉफिटेबल है? हाँ जी, स्टोर वाइज हम सब जगह प्रॉफिटेबल है। 86 लाख से अपना प्रॉफिट कितना है? मैं स्टोर वाइज बता देता हूँ, हमारा जो ग्रॉस मार्जिन हमारे स्टोर में होता है वो 70-72% होता है, और जो हम लोग फ्रेंचाइजेस को बेचते हैं उसमें हमको 50% का ग्रॉस मार्जिन मिलता है। फ्रेंचाइजेस भी आपकी? हाँ जी, ये जो सारे नए स्टोर आ रहे हैं पहले 2 स्टोर के बाद, ये सारे फ्रेंचाइज है, और हमारा नेट हमारे स्टोर्स में होता है 40% का ग्रॉस मार्जिन। 40% का नेट मार्जिन? नेट मार्जिन। और हमारे फ्रेंचाइजेस 22-23% का मार्जिन कमाते हैं 3.5 लाख रुपए के सेल के ऊपर, और वो ग्रो होता जाता है। सेल भी बताइए अपने स्टोर पे कितनी है, फ्रेंचाइजी भी कितनी है? हमारे स्टोर का इस साल का सेल है 70 लाख रुपीस। इसको जब आप फ्रेंचाइजी करते हो और माल बेचते हो, अपनी आइसक्रीम बेचते हो, तो आप कितना लेते हो? हम लोग पॉप्सिकल पे स्ट्रेट 40% मार्जिन देते हैं। 40% मार्जिन पे आइसक्रीम पे स्ट्रेट 50% देते हैं, और जो भी प्रोडक्ट स्टोर में बनते हैं अप टू 55% का मार्जिन अर्न करते हैं। आपने अपनी जो वैल्यूएशन बनाई वो किस बेसिस पे बनाई आपको? अभी तक हमारा लाइफ टाइम सेल रहा है 2 करोड़ रुपए प्लस का, और हमारा इस साल का टारगेट है 2.25 करोड़, और अगले साल हम लोग 15 फ्रेंचाइज के साथ 5 करोड़ का सेल पक्का कर लेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये अभी आप अपने स्टोर से ही सेल करते हैं या औरों को भी देते हैं बेचने के लिए? हम जोमैटो स्विगी में भी है, उसके अलावा हमारे कुछ स्टोर्स में जो भी स्टोर्स में उसमें है। और कोई ग्रोसरी स्टोर या रिटेल में अभी तक हमने नहीं किया है? मैंने डिसीजन बना लिया है। आप डिसीजन बनाने के पहले मैं छोटा सा एक स्टोरी बता देती हूँ, आप उसके बाद डिसीजन बना लीजिए प्लीज। आप बता दो पर मेरा डिसीजन जल्दी मैं बता देती हूँ। पहले हमने शुरुआत की थी छोटे से रूम पर, फिर अभी हमारे पास है 5000 स्क्वायर फीट का जगह, और उसके अलावा नेक्स्ट ईयर हमको अलॉटमेंट हुई है 18000 स्क्वायर फीट का जगह इन अ फूड पार्क इटसेल्फ। और आपका चश्मा, लेंसकार्ट का चश्मा मैंने बहुत सालों पहले ऑर्डर किया था, आने से पहले ही उन्होंने बोला था कि ये जो चश्मा है क्वालिटी कंट्रोल में रिजेक्ट हो गया है। सो जो हर एक पॉप्सिकल आप देख रहे हैं उतना ही केयर लेकर हम बनाते हैं। आप जितना क्वालिटी के लिए आप एफर्ट ले रहे थे, हमने उतना एफर्ट हर एक इंग्रेडिएंट में हमने उतना फोकस देते हैं।
नहीं दिव्या, आपका जुनून, आपका पैशन एकदम सामने आ रहा है, yes. लेकिन आई थिंक पीयूष की वो रीजन नहीं है. पर एक बार बाकी लोग अपना डिसीजन बता दीजिए. अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया है. मुझे फ्लेवर पसंद आया. थैंक यू. आई विल डेफिनेटली बी योर कस्टमर. मैं इन्वेस्टर इसलिए नहीं बनना चाहूंगी क्योंकि आपका प्राइसिंग रॉन्ग है. अगर आप ये सेम चीज लोअर प्राइस में ला सकते हैं तो यू कैन रियली कैप्चर अ लार्जर मार्केट. बिल्कुल ला सकते हैं, बट वो लाते लाते कब होगा, कैसे होगा, आई एम नॉट सीइंग दैट क्लैरिटी. इट्स टू स्मॉल फॉर मी राइट नाउ, बट आई विश यू द बेस्ट. आई एम आउट फॉर नाउ. मेरे को तीन इशू है इसमें, तीन पी. एक प्राइसिंग इशू, और दूसरा पोटेंशियल इशू, और तीसरा आपको पीयूष चाहिए. तो मैं आउट हूं. तो आपको आज एक ऑफर तो आएगा. टू शार्क्स आर आउट. अभी पीयूष कुछ कहना चाहता है. देखिए, पहली बात तो मैं स्किपी में इन्वेस्टर हूं. आई अंडरस्टैंड. और यहां पे काफी लोग स्किपी में इन्वेस्टर हैं. मैं एक ही पॉप्सिकल बिजनेस में एज एन इन्वेस्टर रहना चाहता हूं. तो इस रीजन से मैं बाहर हूं. एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री में सेम ओल्ड होता ही जा रहा है, तो हमारे पास सच में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. चलिए, आपने कहा 15,000 करोड़ इंडस्ट्री साइज है आइसक्रीम का. ये जनरली ऑर्गेनाइज के नंबर्स. आइसक्रीम इंडस्ट्री आप सही कह रहे हैं, काफी लार्ज है. आपने जो नंबर बताया वो ऑर्गेनाइज है. अनऑर्गेनाइज उससे 10 गुना बड़ा. तो इसमें काफी ब्रांड्स बनेंगे नेशनली, क्योंकि इतना हाइपर कंपेटिटिव हो गया. आपकी टारगेटिंग, पोजिशनिंग इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप एक जगह बना सके अपने लिए. अभी तक मुझे वो बात नहीं दिख रही है, और इसीलिए मुझे लग रहा है आप कहीं जाके अटक जाएं. इस वजह से मैं आज आउट हूं. आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी पोजिशनिंग पे, अपने लोगों पे. जो मैंने बात कही है वो मैं सिर्फ मजाक में नहीं कहा, ये काफी मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है. तो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में. But I wish you luck. I hope you do really well and build a great business from Nagpur. Thank you so much. Decision मैं अपना भी दे देता हूँ. देखो, मेरे को, मैं इस business में अभी आज एक reason से out हो रहा हूँ कि मेरे को product इतना मजा नहीं आया खा के. मतलब और मैं अगर इसको खुद नहीं खरीदूंगा तो बहुत मुश्किल है कि मैं promote करूँगा आपके product को, भाई आप इसको खरीदो. तो आज मैं इस reason से out हूँ. अमित अमित बाहर मत जाइए. हाँ जी. कार देखो, पावर ड्रिफ्ट का बहुत पुराना व्यूअर हूँ. आप हम पे पक्का चांस ले सकते हैं. थोड़ा सा चांस दे दीजिए और देख लीजिए बाकी जगह जाकर फ्लेवर टेस्ट करके. आप इमीडिएटली इसके लिए आउट मत हो जाइए. हम जैसे मेहनती कपल आपको नहीं मिलेंगे. चलिए, मैं आपको ऑफर देता हूँ. जीसस क्राइस्ट. Give 50 lakh, 25 lakh in debt, 25 lakh in equity, और मैं 5% लेना चाहूँगा. मैंने आपकी कंपनी की वैल्यू लगाई 5 crore. It's a good deal. Very good. It's a good offer. Deal पक्की. All right. Congrats. ये persistence रखना. एक founder में जब persistence होती है तो दिखाती है. बिल्कुल. Loss नहीं होना चाहिए धंधे में, ये आपकी guarantee. आपका video तो इतना देखे हैं, आज पता चल रहा है क्यों. आप दोनों बहुत speak up. Thank you so much. Let's make it last. Looking forward to get in touch. Thank you so much. Thank you guys. चलिए. हेलो शार्क. हेलो. हम सब जानते हैं कि साड़ी में इंडियन नारी कितनी खूबसूरत लगती है. चाहे वो शादी में साड़ी हो
या मिस यूनिवर्स में इंडियन नारी हो, साड़ी हमारे देश की महिलाओं की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं साड़ी पहनने के बाद एक इंडियन नारी को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है? चलने में दिक्कत होती है, वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है, साड़ी के नीचे की जो बॉर्डर होती है वो भी गीली हो जाती है। ये है एक पेटीकोट, ये हमारे बीच 500 साल से है, बट आज तक इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ है। इसे बदलने के लिए मैं लाया हूं सायोनारा। सायोनारा एक इनोवेटिव और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसे औरतें जब वॉशरूम यूज करती है तब उन्हें उसका बेनिफिट मिले और उनकी लाइफ थोड़ी इजी होए। कमाल की सोच है। ओह माय गॉड। तो सायोनारा पेटीकोट के दो फायदे हैं। हाँ जी। एक, आपके हाथ फ्री रहते हैं। क्या? तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो। महिलाएं जो ट्रेन में सफर करती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, तो वो कर सकती है while relieving। तो शार्क, मेरे इस रेवोल्यूशनरी और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए शार्क टैंक से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। मेरी आज सिर्फ 1 करोड़ है फॉर 10% इक्विटी। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शाह है। मैं कोलकाता से हूँ। साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस मंच पे आके? थोड़ा नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड। नर्वस बिल्कुल मत होइए, यहाँ पर बड़े फ्रेंडली शार्क्स बैठे हैं सारे, आपस में लड़ते हैं आपसे नहीं लड़ेंगे। थोड़ा अपना बताइए अपने बारे में। मैं कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, वहाँ कुछ साल मैंने काम किया, एंड देन मैं बैंगलोर एंड देन मुंबई में भी मैं काम कर रहा हूँ एज अ मार्केट रिसर्चर। मार्केट रिसर्चर, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेरी आईपी है, मेरे आईपी पेंडिंग है। इसके लिए आपने पेटेंट फाइल करा हुआ है? यस। मतलब कोई औरत कहीं भी अगर ऐसे उठा के पकड़ के बैठ गई यूरिनेट करने, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे रॉयल्टी। इफ दे आर डिजाइनिंग लाइक दैट। हाँ। कोई औरत उठ गई अपने टेलर के पास भी, उसने कहा भाई टेलर साहब मेरे को ये तकलीफ है, आप यहाँ पे नाड़ा लगा के मैं ऐसे बैठ, क्योंकि देखिए दिमाग में उनको तकलीफ है तो आती होगी ये बात। यस। Yes. तो अगर वो बैठ गई और आपका पेटेंट ग्रांटेड है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी टेलर कर रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है ना कि उनकी उनको हेल्प हो रहा है। एंड आई वुड लाइक पीपल टू यूज इट। और भाई साहब ये लोगो जो आपने लगाया है, डंडी दो जो निकल रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक पेटीकोट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? पेटीकोट इसी ट्रेपीजियम शेप की होती है ना? नहीं वो क्या है? वो उसकी नाड़ा है। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है? पेटीकोट को हिंदी में साया बोला जाता है। अच्छा। सो से आया साया, एंड वो बिकॉज़ इसमें मैंने दो होल्स बनाए हैं। तो उसके बिहाफ पे ओ आया, एंड नाड़ा मींस वेयर, बिकॉज़ मैंने एक स्ट्रिंग डाला है नीचे टू गेट द सपोर्ट, तो साया नाड़ा। कितने बेचे आपने ये? तो ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, मैंने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज़ आई कैन रेवेन्यू है। आप प्री रेवेन्यू है क्योंकि मैं मूनलाइट नहीं कर सकता। आप तो टैंक पे आ गए हैं। आपका क्या व्यू है नमिता इस इनोवेशन के बारे में? तो ये प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये एपिसोड देख के बहुत सारे टेलर्स और बहुत सारे लेडीज ये बनाएंगे। आई थिंक बनाएंगे, लेकिन इनके पास से नहीं खरीदेंगे, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। लेकिन नीड है, खुद बना देंगे, आसान है बनाना। बट इसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, यू नीड द स्ट्रिंग टू बने इतना। नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी कॉपी कर सकता है। ऐसा क्या एफर्ट किया, खोल के दिखाओ। मैं आपको प्रोडक्ट्स लाके दिखाता हूँ सबको, तो ज्यादा बेटर होगी। ओके। दिखाइए। ये जो स्ट्रिंग है ये इतना एफर्ट नहीं लगाएगा, टू गो टू अ दर्जी, हैव दिस डन। अरे बहुत आसान है ये लगाना, क्या बात कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैं इससे क्यों आउट हूँ। एक तो अब प्री रेवेन्यू है, थोड़ा सा भी रेवेन्यू होता ना मैडम तो अंदर आ जाता। मैडम तो लगाने को तैयार बैठी। रेवेन्यू लेके आ जाएंगे मैम। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो इसमें एक होल है, स्लिट है, और ये जो है ना, ये जो टेनिस बैग सब रहते हैं
इजीली मिलते हैं ये नान, तो ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, तो आपका ये शो देख के बहुत लोग इंस्पायर होंगे। डोंट वरी, आपने भला काम कर दिया। मेरा डिसीजन बन गया, मैं भी अभी बाहर होना चाहूंगा। ये बहुत ही रिपीटेबल कॉपीबल आइडिया लग रहा है, बिजनेस मेरे को लगता नहीं इसमें बन सकता है, इसलिए आज मैं बाहर होना चाहूंगा। मैं इससे आउट हूं, कुछ और सोचो, दिस इज नॉट अ बिजनेस, कुछ और करना चाहिए ये, प्लीज आज के बाद इसके बारे में, बिजनेस के बारे में मत सोचना। थैंक यू, मैं इससे बाहर हूं, प्लीज आप अपना लोगो बदलिए, बाकी कुछ बदले ना बदले। ये आविष्कार तो जरूरी है, इसमें एक दुकान लगाई जा सकती है, यू नो, एक्सक्लूसिव स्पेशल मल्टीपर्पज VIP पेटीकोट, जैसे इसका तीसरा यूज है, आप इसको ऐसे करके हाथ इसमें से डाल लें तो एक ड्रेस भी बन जाती है। तो ऐसे करके एक एक्सक्लूसिव आइटम आप बना सकते हैं, तीन यूज तो बन गए ऑलरेडी। हाँ, बहुत सारे यूज हो सकते हैं, तो बिजनेस शायद बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टेबल बिजनेस मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता है आपके पैटेंट से कुछ होने वाला है भाई, ये आप कोर्ट में मारे मारे फिरोगे, जज भी हंसेगा। आप कैसे रोकोगे औरत को? तो इस वजह से मैं आउट हूं। आपसे मिलके अच्छा लगा, आप आगे सोचिएगा, अच्छा फीडबैक आपको सबसे मिला है सारे शार्क से। थैंक यू, चलो भाई, सायोनारा। सायोनारा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये ड्रेस वाला आइडिया इज एक्चुअली ब्राइट, आई एम टेलिंग यू। ओह माय गॉड, इट्स एक्चुअली ब्राइट, लेट मी ट्राई इट, इट्स अ ट्यूब ड्रेस, आई एम टेलिंग यू। ये देखो डेमो, ओए पीयूष, ये देख ड्रेस, ये देख ड्रेस बन गया, ऐसे बनता है ड्रेस। अमित, आज शार्क एक्सपीरियंस में आसनसोल से राघव का आपके लिए सवाल है, एक एंटरप्रेन्योर में आप क्या क्वालिटीज ढूंढते हैं और एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आप किस पॉइंट पे लेते हैं? कोई भी एंटरप्रेन्योर जब मैं मिलता हूँ तो मैं इसको दो डायमेंशन में इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ हमेशा। एक होता है वैल्यू सिस्टम इवैल्यूएशन और एक होता है फंक्शनल एक्सीलेंस इवैल्यूएशन। वैल्यू सिस्टम में आता है आपके कोर जो ट्रेट्स होते हैं, इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, हार्ड वर्क। दूसरे साइड पे मैं जज करता हूँ कि यार बंदा कितना हंग्री है, फाइटर कितना है, रेजिलियंस कितनी है। ये तो था एंटरप्रेन्योर का। अब आते हैं बिजनेस पे। बिजनेस में मेरा इवैल्यूएशन होता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। फाउंडर की जो कॉम्पिटेंसी है और जो आइडिया को इनपुट्स चाहिए, क्या वो फाउंडिंग टीम में है? क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। वो आई टू डिटेल बहुत ज्यादा चाहिए मेरे को अपने फाउंडर्स में जो ये बिजनेस बनाते हैं, तभी बिजनेस सक्सेसफुल और स्केल कर पाते।